God bless you, Indian. Thank you very much. Thank you very much, all the Indians. We are dosts, we are friends, and we help to each other. You know, this secure again. Thank you so much for your support. से एड मिलती है तो हम काला बुर्का पहन लेते हैं, जब यूएस से एड मिलती है तो हम मॉडर्न हो जाते हैं। कभी हमारा दिल करता है कि हम तुर्की को फॉलो करें। आखिर हमारी अपनी आइडेंटिटी है या नहीं है? We don't have any hospital, any medicine. Thank you for this thing. शहबाज शरीफ साहब फिर टर्की चले गए, उनको जैसे ही मौका लगा फिर दो दिन के विजिट पे चले गए। पहले टर्किश फूड बड़ी पसंद है, वो जाते हैं, माहौल बड़ा रंगीन है टर्की का, तो चले गए, इसीलिए मिस कर रहे थे। हालांकि टर्किश एम्बेसडर ने बहुत मिनट की, यार खुदा का नाम है ना आना, हमारे ऊपर तो अजाब नाजल हुआ है, तू देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है। बल्कि वो डरते हैं कि वापसी पे जाते वो उनका ना को उठा के ले आए हम करते कुछ नहीं है सिवाय मुस्लिम करने के। अफगानिस्तान में मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल है। पाकिस्तान में भी मुस्लिम है, आपस में हम क्या कैसे लड़ रहे हैं? इसके अलावा ईरान और इराक उसकी बात कर लें, इराक की बात कर लें, जंग हो चुकी है। बात यह है कि वो भी मुसलमान है। बांग्लादेश हमारे से अलग हो गया, वो भी मुसलमान था। बात जो आपका क्वेश्चन है ना, बात यह है कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, यही बात। लेकिन एज अ मुस्लिम हम उस चीज को फिलहाल कंसिडर ना करें, एज आई थिंक। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि इससे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल तुर्की इस चीज़ को मद्देनजर रखेगा कि हमारे मुश्किल वक्त में कौन काम आया है, तो हमें उनसे अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए, तो वो इससे थोड़ा सा रिलेशन जो है उनके स्ट्रांग होंगे, कोई शक नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल करूंगा, लास्ट में आपकी तरफ आता हूँ, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सेम ही क्वेश्चन के भाई क्या वजह है दुनिया वापस आ रही है हेल्प करके, और अपना कह लें कि इंसानियत के तौर पर वो जो गए थे उन्होंने हेल्प की और सोशल मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। नो डाउट टीम्स हमारी पहले जा चुकी हैं, लेकिन उस तरीके से हेल्प, जाहिर बात है हम खुद नहीं थे कर पा रहे, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है जिस तरह हमारा हक बनता था। इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है और हम यहाँ पर चीज़ों पे बैन लगा रहे हैं। एक वक्त था 2012 से 2016 तक पाकिस्तान में यूट्यूब बैन कर दिया गया था, और कहा जाता है कि जब इस तरह से कोई बड़ी वेबसाइट बैन की जाती है या बड़ी साइट वेब बैन की जाती है तो उसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा सोशल मीडिया बैन होने वाला है। जी ऐसी है, अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कि क्या हो क्या रहा है। बेसिकली मेजर जो इशू ये है कि जो हमारे ऊपर सियासतदान या जिन लोगों ने पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कंसर्न नहीं है कि आवाम के लिए उन्होंने क्या करना है। मतलब उनका बस, मुझे तो यही लगता है कि बस यही एम है कि पाकिस्तान में आएँ, पैसा बनाएँ और बाहर चले जाएँ। मतलब जो सिचुएशन अभी नज़र आ रही है, तो ऑब्वियस बात है, अब जिस तरीके से हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी अब वो भी बेसिकली इन लोगों की वजह से ही था, और हमें खुद सफ़र करना पड़ रहा है। बेसिकली अब खुद भी मैं एक सी ए प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अब नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमिकल जो सिचुएशन बनाई जा रही है, तो उसमें समझ नहीं आ रही कि एक आम बंदा क्या करेगा। हमने खुद ताल्लुकात खराब किया हमारे। अच्छा, इंडिया हमें कैसे कह सकते हैं हमें जो हमारा दुश्मन है, हमें खुद बैठाया गया है माइंड में कि नहीं ये हमारा दुश्मन है। बच्चा पैदा होता है ना, उसे बता देते हैं भी आपने ना इनके घर नहीं जाना, क्यों? क्योंकि हमारा दुश्मन है। अब बच्चे को नहीं पता कि क्या वजह क्या है, मुझे ये बेस बता दें कि क्यों दुश्मन है। और अगर वजह कोई पूछ भी लेता है तो वो ये कहते हैं कि ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जबकि ये नहीं पता उधर मुसलमानों है क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है, यहाँ हिंदुओं की तादाद कम होती है। आप ये पूछे ना कि उधर आप अगर अपना चैनल चला रहे हैं तो आप इस चीज के बारे में वेल नोन होंगे, आपको पता होगा कि अगर आप वहाँ पे चैनल देखें ना, वहाँ पे आपको जो मुस्लिम मिलेगा ना वो कहेंगे हम यहाँ पे बड़े अच्छे से रह रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विष्णु कनेरिया। दोस्तों, आज भारत या पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में भारतीयों की तारीफ हो रही है। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त खत्म होने के बाद जब इंडियन सोल्जर्स और डॉक्टर्स वहाँ से विदा ले रहे थे तो तुर्की के लोगों के अंदर आप वो इमोशन साफ साफ देख सकते हो, क्योंकि लोगों को वही याद रहता है जब कोई उनके मुसीबत के समय काम आता है, और वही आज तुर्की के लोग महसूस कर पा रहे हैं जो हमारे इंडियन सोल्जर और डॉक्टर्स को तालियां बजाकर साथ ही भावुक होकर उनकी विदाई दे रहे हैं। लेकिन इसकी चर्चा आप पाकिस्तान में बहुत जोरों शोरों से देख सकते हो। पाकिस्तान को जब सऊदीया से एड मिलती है तो हम काला बुर्का पहन लेते हैं, जब यूएस से एड मिलती है तो हम मॉडर्न हो जाते हैं। कभी हमारा दिल करता है कि हम तुर्की को फॉलो करें। आखिर हमारी अपनी आइडेंटिटी है या नहीं है, और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को फॉलो कर सकते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी इरफान कसरानी। क्या करते हैं?
जी मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन एक क्राइसिस ऐसा है जो कि 1947 से ही शायद चलता आ रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस। एज ए पाकिस्तानी अगर मैं सवाल कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी से कि हमारी क्या आइडेंटिटी है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान किस आइडेंटिटी की बेस पर बना था, किस विजन की बेस पर बना था? असल एक्चुअली जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त कैद आज़म ने बड़ी एफ़र्ट की थी और ये सोचकर एक अलहदा रियासत का क़याम किया था कि एक पाकिस्तान जाके एक ऐसा मुल्क बनेगा जो दुनिया के नक्शे के ऊपर एक ख़ास तरह से प्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, शुरू अवायल के कुछ अरसा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद शुरू हो गया है। रियासत जिस बुनियाद पे बनाई गई थी वो मकसद सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, किस बुनियाद पे आपके ख्याल में रियासत बनाई गई थी, पाकिस्तान का मतलब क्या था? पाकिस्तान असल दो कौमी नज़रिया के तहत वजूद में आया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पे उनका टोटल कल्चर मुख्तलिफ था, मज़हब मुख्तलिफ था, दोनों डिफरेंट चीज़ें थी, जिस वजह से इकट्ठे रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। मुशरफ साहब से खड़े होकर ना मुसलमान ने कहा कि हम यहाँ पे बड़े खुश हैं, हम यहाँ पे खुश हैं, तो फिर आप क्यों तनाजा लेके चले हुए हैं? तो वहाँ पे मुशरफ साहब ने वो वीडियो देखी है, तो जवाब तो दिया, लेकिन लॉजिस्टिक वे ये है कि एक बंदा खड़ा होकर बता रहा है कि हम यहाँ पे खुश हैं, तो आप हमें क्यों तंग करना चाह रहे हैं? ये हमारे लिए शर्म वाली बात है और सोचने वाली बात है कि भाई मैं जिस बंदे के लिए मैं कह रहा हूँ उसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, वो ही कह रहा है कि भाई ये मेरे हाथ देखो, मेरी आवाज़ नहीं, आप अपना घर देख लो, मेरी आवाज़ नहीं, आप अपना घर देख लो। और